हितकारी लाभ योजना के परिणाम पत्रों के वितरण कार्यक्रम में श्रम एवं समायोजन विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे हैं, जहां कार्यक्रम में उन्होंने कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही ढेरी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा आए हुए सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम में कुल 2797 कर्मचारियों को 2,35,77,237 रुपये की हित लाभ योजनाओं के पत्रों का आवंटन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री महोदय ने बताया, इससे सभी कर्मचारियों को आवंटित की गई राशि उनके खाते में RTGS के माध्यम से भेज दी जाएगी, जिससे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दलाली करने का मौका ना मिल सके। लाभान्वित कर्मचारियों को पूरा पैसा प्राप्त होगा। महागठबंधन पर पूछे प्रश्न पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर दिया कि महागठबंधन का ना तो कोई उद्देश्य है ना कोई मुद्दा, ये महागठबंधन चुनाव के पहले ही धराशायी हो जाएगा। किस किस को चेक बांटा है कि क्या कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? श्रम विभाग श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ श्रमिकों के बीच में जाना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार मैंने लेबर अड्डों पर जाने का कार्यक्रम निरंतर जारी रखा है। लगभग 30 जिलों के एक एक लेबर अड्डों पर मैं अपन जा चुका हूं। उसी क्रम में आज झांसी का भी श्रमिकों का एक कार्यक्रम है, जिसमें उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं का हित लाभ आज यहाँ के लाभार्थियों को दिया जाना था, जिसमें 2,797 श्रमिकों के बीच 2,35,77,237 रुपए की योजनाओं का प्रमाण पत्र श्रमिकों के बीच में वितरित किया गया है। हमारी सरकार की कोशिश है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। बिचौलिए, दलाल श्रमिकों के हित लाभ योजनाओं में बंदरबांट न कर सके। यहां तक कि अधिकारियों का मनमानापन का शिकार भी ये श्रमिक न होने पावे, इस बात का हमारा निरंतर प्रयास है। इसलिए मैं स्वयं और हमारे सहयोगी राज्य मंत्री श्री मन्नूलाल पुरी जी निरंतर इस बात को सूचित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों विभिन्न जिलों में दौरे के माध्यम से सूचित करते रहते हैं। हम सबकी कोशिश है कि मजदूरों के बीच में जाकर उनकी जुबानी उनकी परेशानियां सुने जाने, जिससे कि उसके निस्तारण में किसी प्रकार की असुविधा न हो। और यही कारण है कि जब श्रम विभाग मुझे मिला था, उस समय मात्र उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मजदूरों की संख्या 33 लाख थी, आज हमने बढ़ा करके उसको 43 लाख किया है। यानी एक सवा साल के अंतराल में ही लगभग 10 लाख श्रमिकों के पंजीयन का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और वहीं पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, दवा की व्यवस्था करना। झांसी से दीपक जौहरी की रिपोर्ट।